ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना ऑयल के, बिना तेज मिर्च मसालों के या बिना अनियन गार्लिक के भी हम बहुत ही टेस्टी सात्विक सब्जी बना सकते हैं? नहीं ना, यूजुअली सात्विक नाम सुन के ही हम डर जाते हैं कि ऐसी सब्जी जो बिना तेल मसालों के बनी है वो तो बहुत ही बोरिंग और टेस्टलेस होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सात्विक सब्जी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही डिलीशियस, कलरफुल और न्यूट्रिशियस होती है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे दो बहुत ही कॉमन सब्जियों का सात्विक वर्जन। पहली सभी की मनपसंद सात्विक शिमला मिर्च आलू और दूसरी हर सीजन में बनने वाली सात्विक गोभी आलू। ये दोनों सब्जियां ऑलमोस्ट हर सीजन में आराम से मिल जाती हैं और हमारे घर में हफ्ते में एक बार तो जरूर बनती है। और इसके अलावा हम दो बोनस टिप भी शेयर करेंगे जिससे आपके भोजन का स्वाद और शक्ति और बढ़ जाएगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी के साथ। सात्विक शिमला मिर्च आलू एक टैंगी फ्लेवर वाली ऐसी सब्जी है जो बहुत ही जल्दी लगभग 15 मिनट में बन जाती है और सब इसे बहुत ही मजे से खाते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 शिमला मिर्च और 2 आलू। इन्हें हमने अच्छे से धोकर काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 लंबा कटा हुआ टमाटर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1/2 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रीमी पीनट बटर। आज हम जो सब्जी बनाएंगे ये 2 लोगों के खाने जितनी होगी। एक मिट्टी की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई को धीमी आंच पर रख दें, फिर उसमें 1/2 कप पानी और आलू डाल दें। अब इस कढ़ाई को लिद से ढक दें और आलू को 10 मिनट के लिए पकने दें। जब आलू अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अदरक डाल के अच्छे से हिला लें और 5 मिनट के लिए फिर से ढककर इसे पकने दें। जैसे ही शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए तो उसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च, हल्दी और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। जरूरत पड़े तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। 1 मिनट बाद इसमें टमाटर और पीनट बटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब कढ़ाई को लिड से ढक दें और जल्दी से गैस बंद कर दें। याद रखिए कि टमाटर और पीनट बटर डालने के बाद गैस बंद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कभी भी टमाटर और पीनट बटर को सीधा सीधा गैस पर नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पकने से नष्ट हो जाते हैं। ये सब्जी की स्टीम से ही हल्के हल्के पक जाते हैं और इनका फ्लेवर डिश में इन्फ्यूज हो जाता है। अब 10-15 मिनट बाद कढ़ाई का लिड खोल लें और उसमें बहुत सारा फ्रेश धनिया डालकर सर्व करें। ये सब्जी बनाते टाइम याद जरूर रखें कि हमें शिमला मिर्च को ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब वो ओवर कुक हो जाती है तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। इसी तरह हम सात्विक गोभी आलू की सब्जी भी बना सकते हैं। 500 ग्राम गोभी और 250 ग्राम आलू ले लीजिए। 1/2 कप पानी डालकर कढ़ाई को लिड से ढक दें और धीमी आंच पर 10-15 मिनट के लिए पकने दीजिए। जैसे ही गोभी और आलू पककर सॉफ्ट हो जाए उनमें अदरक, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हल्दी और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दें। एंड में फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके डाल दें और कढ़ाई को ढककर गैस बंद कर दें। इसमें आप फ्रेश कोकोनट की जगह सूखा नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें नारियल को कभी भी गैस पे सीधा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि जब हम नारियल को हीट करते हैं तो उनमें मौजूद हेल्दी फैट्स अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। 10-15 मिनट बाद इसमें फ्रेश धनिया या सेलरी डाल के सर्व करें। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही इजी सुपर डिलीशियस सात्विक सब्जियां। आप इन्हें सात्विक रोटी के साथ लंच या डिनर में ले सकते हैं। सात्विक रोटी कैसे बनानी है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरह आप गर्मियों में घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, टिंडे की सब्जी और सर्दियों में आलू मटर, गाजर मटर, फलियां आलू इत्यादि बना सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सात्विक सब्जियों को बनाने के 3 घंटे के अंदर अंदर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनमें प्राणिक एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है और उतना फायदा नहीं देती।
इसलिए कोशिश करें कि खाना पकने के 3 घंटे के अंदर, नहीं तो 5 घंटे के अंदर तो जरूर खा लें। अब बारी है आपके साथ 2 बोनस टिप शेयर करने की, जिससे आपके खाने का स्वाद और न्यूट्रिशन और इंक्रीज हो जाएगा। पहली टिप, आप जब भी खाना बनाने जाएं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि खाना बनाते वक्त आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन अशांत होगा तो वही वाइब्रेशंस आपके खाने में जाएंगी, और जब घर के बाकी लोग उस लो वाइब्रेशन फूड को खाएंगे तो उनका मन भी अशांत हो जाएगा। As it is rightly said, जैसा अन्न वैसा मन। The easiest way is कि आप खाना बनाते वक्त कोई डिवाइन म्यूजिक या स्पिरिचुअल क्लास लगा लें, ताकि आपका मन उसमें एकाग्र रहे। ऐसा करने से देखिएगा, सिंपल से सिंपल खाना भी घर में सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि वो उनके तन को फायदा देने के साथ साथ उनकी मन की स्थिति को भी शांत करेगा। सात्विक इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ शांत मन की स्थिति से परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन ही असल में सात्विक कहलाता है। दूसरी टिप, जब खाना बन जाए तो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल सुप्रीम गॉड फादर को याद करके उन्हें बहुत ही प्यार से भोग स्वीकार करवाएं, ताकि उनकी अल्ट्रा प्योर वाइब्रेशन से ये भोजन प्रसाद बन जाए। परमपिता परमात्मा और प्रकृति के 5 तत्वों को दिल से शुक्रिया कहें आपको ये भोजन देने के लिए, और परमात्मा की प्योर पॉजिटिव पावरफुल हीलिंग वाइब्रेशंस को खाने में जाते हुए विजुअलाइज करें। इस विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के लिए श्रेष्ठ संकल्प करें, और अब ये प्रसाद अपने घर वालों को सर्व करें। ये एनर्जाइज्ड सात्विक भोजन अब जिस किसी के अंदर भी जाएगा, उनके तन और मन दोनों को हील करेगा और आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। अगर आप खाना बनते टाइम और खाना बन जाने के बाद इन दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत ही हैप्पी एंड पीसफुल हो जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आप इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपीज कैसी लगी। ऑल्सो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन सी सब्जियों को सात्विक तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं, ताकि हम जल्दी ही उनकी रेसिपीज अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करें। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपीज और सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट क्वालिटी सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज जैसे कि ऑर्गेनिक होलसम ग्रोसरी, इको फ्रेंडली गुड्स एंड होम गार्डनिंग एसेंशियल्स ऑर्डर करने के लिए हमारे ऑनलाइन स्टोर satoprathan.com पे विजिट करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओम शांति।